जितने मौलवी मिलादुन नबी के खिलाफ बोलेंगे इनको बिदत से परेशानी नहीं है कि ये बिदत है, इनको मसला सिर्फ ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लिया जाता है, ये मसला है, या इनको आपसे तकलीफ हो सकती है। वगरना अगर बिदत की बात करें तो मैंने कई मरतबा किया है कि जनाजा पड़ा हो, जनाजा पड़ा हो और मौलवी साहब इंतजार कर रहे हो लोगों के आने का, यह बिदत है। यह क्या है बोलिए, क्या है? जनाजे पे लोगों के आने का इंतजार करना, यह क्या है? सारे नहीं बोल दे पे, मैं कह रहा था भी बिदत, ये हम उमूमन नहीं करते, यह बिदत है। लेकिन कभी कोई मौलवी बोला? आप तो बोले, कभी बोला है कोई? कोई किसी मसले से ताल्लुक रखता हो, कभी किसी मौलवी ने कहा बंदे के पीछे बोलना भाई मौलवी साहब ठहर जो, वो आगे से कहे कि बुखारी शरीफ की रिवायत है असरी उमिल जनाजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाजे में जल्दी करो, कभी कोई मौलवी बोला? बिदत से फड्डा नहीं, तुमसे फड्डा है, तुम इंतजार करो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जनाजे के बाद तुम दुआ करोगे तो वही मौलवी कह रहा होगा कि किसे लिखा है, पहले खुद गलत किया तू, लेकिन कहता जो हम करेंगे वो तुम्हें भी इजाजत है, लेकिन जो हम नहीं करेंगे वो तुम्हें नहीं करने देंगे। भाई कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं होती? मौली साहब के शहादत पर शहीद कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं होती? ये मंडियों में होती है, होती है कि नहीं? होती है ना। अब बताएं ये किसी सहाबी की हुई है? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला की हुई है, लेकिन आपने क्यों पूछना है? आप तो शरीफ लोग हैं, लेकिन कम अज कम इस तरह के मौलवियों की शर्म करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाते, जब सरकार आते उस वक्त जमात होती, जब सरकार आते उस वक्त जमात होती, सरकार आते मस्जिद में फिर चले जाते, सब खड़े रहते, ईशा की नमाज बाज़ुकात आधी आधी रात तक लेट हो जाती, फोन कर देंगे ने बोलो भाई, सारे मसालिक नमाज टाइम मुकर्रर करके पढ़ते हैं ना, तो बिदत ये सरकार ने नहीं किया, सहाबा ने किया, ताबीन ने नहीं किया, ताबा ताबीन ने नहीं किया, तो तुम क्यों क्यों करते हो? अब मसाजिद में स्पीकर रखे हुए कि नहीं रखे हुए? क्लीन रखे ने कि नहीं रखे? रखे ने ना क्लीन, तुसी ज्यादा नरम जिसम रख दो, लॉकडाउन के बगैर जैन माता तो पढ़ी है ना, तो निकलवा दो भाई, और ऐलान करें मौली साहब कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ी हैं वैसे पढ़ेंगे, कोई जाए नमाज नहीं पढ़े, बल्कि मौलविया ने लॉकडाउन च भी नहीं कटिया, असी नहीं कटनिया, क्यों नहीं कटनिया? सुन्नत नहीं है? नहीं, हमें सिर्फ मिलाद रोकना है, बाकी कोई बिदत नहीं रोकनी। अच्छा एक जवाब बड़ा जबरदस्त है, ये दीन नहीं है। क्या बोलते हैं? ये दीन नहीं है। तो मेरे प्यारे, जिस बेचारे ने मस्जिद के लिए क्लीन लेके दिया है, उसे बताओ कि पाजी साया कितने जे पैसे, ये दीन नहीं देगा? कि सवाब तो दीन से मिलना है ना। अल्लाह ताला अकले सलीम अता फरमाए। अभी रैली निकली पिछले दिनों, लिखनी ना रैली ना मुंह से सहाबा की इज्जत की रैली निकाली गई। मौलवी ने पूछ लो भी जायज, सारे ही थे ना मौलवी, लेकिन वो मौलवी इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की फजा कायम हो जाए और 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में शिरकत कर लें, सारे पिटणगे ए हराम है, क्योंकि असी जरा किया ठीक है। इनू ना पंजाबी का रोंद मारना है, ओके जिन्हें देर अं खेडा उन्नी देर खेडन देंगे, जो अं चलो भी तारा लाओ चलो निकलो सारे शब्द। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए।